आज का एक दिन, आज का एक और दिन चला गया ना, तुम्हारे टेम्प्ट बैलेंस है, एक और दिन खर्च हो गया ना। क्या किया आज तुमने? फिर से आज तुमने वो सब काम कर डाले जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं थे। फिर से तुमने अपना टाइम वहां लगा डाला जहां से कोई आउटपुट नहीं निकला। ओके, एनीवे मत सुनो मेरी बात है, पर याद रखना तेरा कल आज के जैसा नहीं होगा, बल्कि तेरा कल जलीलत की जिंदगी होगा। क्या हुआ नहीं समझे? ओके, मैं समझाता हूँ तुमको। तुम कितना ही टाइम काम में कर लो, बर्बाद इस दुनिया में सिर्फ आउटपुट ही देखा जाता है। कितना आउटपुट दिया तुमने आज? क्या तुमने आज वो सब गलतियां सुधार ली जो कल की थी, या तुमने आने वाले कल में फिर से वही गलतियां दोहराने वाले हो? क्या सबक मिला आज के दिन कि फिर से वही ना, कि असली मजा सिर्फ दिखने में नहीं प्रूव करने में है? तुमने आज फिर किसी से ज्यादा उम्मीद लगाई थी ना, आज फिर किसी ने तेरा दिल तोड़ा ना, आज फिर से तुमने किसी के सरवाल की भीड़ चले ना। चलो कोई ना, आज का दिन तो गया, लेकिन कल सुबह जब उठो तो मेरी ये कुछ बातें अपने दिमाग में गांठ बांध लेना और फिर तब उठना। सबसे पहली बात, आपके लिए एक दुनिया में सबसे बेहतर सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। और मेरी दूसरी बात, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तेरा मन है, जिसको काबू में करके तू समूचे ब्रह्मांड को पूरे काबू में कर सकता है। तीसरी बात, तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी हाल में अकेले के दम पर खुद को सपना पूरा करना। चौथी बात, लोगों के कमेंट का रिएक्शन देना बंद करो, और रिएक्शन देना है तो सिर्फ एक मुस्कान का दो। पांचवी बात, याद रखना कि आज का ये दिन फिर से वापस नहीं आएगा, इसलिए जो करना चाहे दिल खोल कर करो। छठी बात, किसी से कोई प्रॉमिस मत करना, वरना हो सकता है आपके सपने के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अगर करना हो तो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही वादा करो। सातवीं बात, हर इंसान वैसा नहीं होता है जैसा वो दिखता है, पर कम से कम आप तो वैसे दिखने की कोशिश मत करो जैसा आप नहीं हो, आप भी औरों की तरह सबसे अलग हो। मेरी आठवीं बात, अगर जिंदगी में पैसे और टाइम में से किसी को चुनना हो तो टाइम को ही चुनना, सफलता और सुकून में से किसी को चुनना हो तो सुकून को ही चुनना, क्योंकि सफल होने के बाद भी सुकून नहीं मिला तो सफलता किस काम की है? इसलिए क्या करना है और क्या नहीं, बिना देरी किए विचार कर लो, देखना कल रात को सोते समय टेंशन कम और सुकून ज्यादा होगा। और सबसे खास बात, तू अपने लक्ष्य के और कदम के पास खड़ा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर तुम मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो YouTube पर देख रहे हो ना, अगर इस वीडियो के द्वारा तुम्हारे अंदर की थोड़ी सी भी चिंगारी भड़क उठी है ना, तो सब्सक्राइब करने से कतई ना घबराना। या इससे अगर तुम Facebook पेज पर देख रहे हो तो इसे लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आज के इस भागदौड़ की दुनिया में हर एक इंसान को मोटिवेशनल किस्सक जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।